वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको एक काफ़ी कमाल के यूनिक फीचर के बारे में बताऊंगा जो कि एंड्रॉइड 10 और वन यूआई 2 के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सैमसंग के गैलेक्सी नोट 10 के अंदर ऑफिशियली एंड्रॉइड 10 का अपडेट आ चुका है एंड मुझे इस डिवाइस के अंदर यह फीचर देखने को मिला। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मतलब ये फीचर हद से ज़्यादा। और ये जो फीचर है ये सैमसंग के ऑलमोस्ट हर एक स्मार्टफोन में आने वाला है, जहाँ पर भी एंड्रॉयड 10 एंड वन यूआई 2 हमें देखने को मिलेगा उस स्मार्टफोन के अंदर ये हमें फ़ीचर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम कोई भी नॉर्मली भी स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं ना, तो फिर वहाँ पर भी मैं सजेस्ट करता कि आप इतना एरिया जो है कैप्चर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर करा एंड मैं अगर यहाँ पर क्रॉप करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो ऊपर का नोटिफिकेशन पैनल है, नीचे से जो हमारा जेस्चर का बटन दिखता है, विजिबल हो रहा है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली कट कर देगा। ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है एंड यहाँ पर हम इसको चाहे तो कंप्लीट जो स्क्रीनशॉट है हम उसको भी सेव कर सकते हैं। बाकी ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा फीचर एंड ये फीचर सभी सैमसंग के स्मार्टफोन में आई गेस आने वाला है जिनके अंदर स्मार्ट कैप्चर का ऑप्शन है। दैट मीन्स जो यहाँ पर आता है ना, ये नीचे की तरफ, ये जिसमें स्मार्टफोन में है उसमें ये फीचर आने वाला है। दिखा देता हूँ, लेट मी टर्न ऑन द नेट कनेक्शन एंड मैं भी यहाँ चल जाए। बाकी अगर नहीं चलता है तो फिर मैं आपको कहीं और दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। पहले मैं और राइट, तो यहाँ पर नेट नहीं चलेगा, बंद हो गया, इमरजेंसी कॉल ओनली। ये वीडियोस हैं मेरे चैनल की एंड फॉर एग्जांपल कहीं पर भी इस तरीके के फ़ोटो दिखता है हमें वीडियो के, तो यहाँ पर जैसे हम स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे एंड इसको अगर क्रॉप करेंगे तो यहाँ पर हमें सजेस्ट करेगा कि ये एरिया आप क्रॉप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर तो इतना एक्यूरेटली काम नहीं कर रहा है, बट यूट्यूब के जो थंबनेल होते हैं वहाँ पर ये काफ़ी प्रॉपरली वर्क करता है एंड कई बार जैसे हमें कोई पिक्चर सेव करनी है किसी वेबसाइट पर, जब वहाँ पर स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा इतने एरिया को, ऑटोमेटिक जो पिक्चर का एरिया होगा उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा एंड वहाँ पर फिर हमें सिंपल से उसको सेव कर देना है। तो इस तरीके से ये काम करता है एंड यहाँ पर बाकी नॉर्मल फीचर तो है ही, जो कि हम राइट वगैरह कर सकते हैं कुछ भी, या कलर सेलेक्ट कर सकते हैं एंड कुछ भी इसके ऊपर लिख सकते हैं जो भी हमें दिखाना है। बाकी यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।